Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is me, Sanam Hirudra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, आप सभी को पता होगा कि दिवाली आ रही है. जितना important है अपने आप को dress up रखना और presentable रखना दिवाली को enjoy करने के लिए, उतना ही important है दिवाली में अपने घर को decorate करना. So दिवाली में सभी चाहते हैं कि उनका घर अच्छा लगे, सुंदर लगे. सो मैं कुछ ऐसे कुशन कवर्स आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, DIY कुशन कवर्स जो कि आप बना सकते हो और अपने घर की खूबसूरती को और भी बढ़ा सकते हो. सो गाइस, मैंने सोचा है कि मैं 3-4 कुशन कवर्स की एक सीरीज़ बनाऊंगी सो दैट आप भी उसे इंजॉय कर सको और अपने घर के लिए बना सको. So without further ado, let's get into the video. So guys, इस वीडियो में मैं आपको एक फर का कुशन कवर दिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा लगता है. जो भी कुशन कवर्स बनाऊंगी इस सीरीज में सारे ही बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. इनफैक्ट आपको अपने घर पे ही सारा सामान मिल जाएगा. मैंने तो जितने भी कुशन कवर्स बनाए हैं अभी तक वो सारे के सारे मैंने अपने घर से ही सामान यूज़ करके बनाया है. मेरे को कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा था. दिस इज़ द फर्स्ट कुशन कवर दैट आई एम गोइंग टू मेक इन दिस वीडियो. सो आप देख सकते हो ये बहुत ही क्लासी और बहुत ही क्यूट सा कुशन कवर है. सो गाइस, मैं स्कूल डेज में कुछ सॉफ्ट टॉयज बनाती थी तो ये फर बचा हुआ रखा था. सो मैंने उसी का यूज़ करके ये कुशन कवर बनाया है. सो गाइस, मैंने अमेज़न पे देखा था ये कुशन कवर और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था. अराउंड 500 या 600 के अराउंड ये कुशन कवर था. सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना DIY करके इसको बना लूँ. सो मैंने इसमें आगे फर यूज़ किया है और पीछे की तरफ मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है. आप चाहो तो आप पीछे फर भी लगा सकते हो बट मेरे पास सफिशियंट कपड़ा नहीं था तो मैंने पीछे ऐसे कॉटन का कपड़ा लगा दिया है और ये इसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है. अगर आप फर खरीद रहे हो तो आप चाहो तो पीछे भी फर लगा सकते हो. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देन सी द फर्दर क्लिप. गाइज, फॉर फर कुशन कवर ऑल यू नीड इज अ फर और आपको जिस भी कलर का आप फर ले रहे हो सेम उसी कलर का एक कॉटन कपड़ा लेना है या फिर कोई भी मटेरियल का आप कपड़ा ले सकते हो. सो दैट जो हमारा फर वाला क्वेश्चन है उसमें आगे हम फर लगाएंगे और पीछे की तरफ जो है वो हम नॉर्मल कपड़ा लगाएंगे. इससे ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा. अगर आप चाहते हो कि आपके कुशन कवर में दोनों साइड फर हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो. बट मैं यहाँ पे अपने घर पे ही पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ कर रही थी सो मेरे पास स्टॉक में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था. सो मैंने आगे फर लगाया है और पीछे की तरफ जो है मैं कॉटन कपड़ा लगा करके बना रही हूँ. सो दिस इज़ माई कुशन जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है. आप अपने कुशन के साइज़ का फर कट कर लोगे. सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे इस तरीके से फर कट कर लिया है सेम अपने कुशन के साइज़ का. एंड देन बैक के लिए आपको दो कपड़े कट करने हैं, एक थोड़ा सा छोटा और एक बड़ा, क्योंकि एक वो फ्लैप की तरफ ऐसे क्लोज हो जाएगा. आपने कुशन कवर्स तो देखे ही होंगे ऑब्वियसली. सो एग्जैक्टली उसी के जैसा हम इसे बनाएंगे. सो मैं इसे उल्टा करके इस तरीके से आपको इसको रखना है. सो हम पहले छोटा वाला कपड़ा लेंगे एंड उसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे अपने कुशन पे, आई मीन फॉर क्लॉथ पे. इस तरीके से आपको उसको प्लेस करना है और इसे हम यहाँ से और फिर यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे.
ओके, अभी मैं यहाँ से ये पूरा स्टिच कर लूँगी। और फिर नीचे से आपको क्या करना है, ये एक दूसरा कपड़ा लेना है और इसको आपको इसके ऊपर से ओवरलैप करता हुआ, यहाँ से ऐसे ओवरलैप करता हुआ, एंड ये पूरा ऐसे नीचे तक जाएगा। यू कैन सी ये पूरा कवर हो रहा है। ऐसे आप इसको पूरा स्टिच कर लोगे, यहाँ से यहाँ यहाँ पूरा इसको आप कवर कर लोगे और ये आपका ओपन एरिया रहेगा। यहाँ से आप अपने कुशन को ऐसे अंदर डाल सकते हो। सो मैं फटाफट से इसको सीव कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको फाइनल मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है पूरा चारों तरफ से। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको सीधा कर लोगे इस तरीके से। मेक श्योर कि ये जो एजेस है इसकी प्रॉपरली बाहर आ जाएं। This is your final cushion cover. मैं इसमें अपना cushion डाल करके आपको फिर दिखाती हूँ। So guys, you can see this is the final cushion cover. So ये इस तरीके से आगे से fur pattern है और पीछे जो है normal cotton का कपड़ा है। यहाँ पे आप चाहो तो एक button भी लगा सकते हो, but मुझे नहीं लग रही क्योंकि ये जो है अच्छे से पूरा ही कवर कर ले रहा है। सो दिस इज द फाइनल कवर। मैंने इस तरीके से 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो गाइस आपने देखा ये कितना इजी है और बहुत ही इजीली बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सो मैंने ऐसे 3 कवर्स बनाए हैं और आप चाहो तो इसे बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिसको पसंद है इस तरीके के DIY करना, देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। And yeah, that was it for this video. I hope you guys have enjoyed this video. So, subscribe to my channel before you leave. So, I'll see you in the next video. Till then, take care of yourselves and your family. Arha peete rao.